लोगों को करोड़ों रुपए के प्राइजेस देने वाली केबीसी आखिर पैसा कैसे कमाती है। एनएक्सटी स्टूडियो केबीसी का प्रोडक्शन हाउस है जो कि सोनी पिक्चर्स का ही कंटेंट डिवीजन है। अगर हम इस पूरे शो के रेवेन्यू की बात करें तो उसके दो सोर्सेस है। पहला है एडवर्टीजमेंट। केबीसी के दौरान आपको कई सारी एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है और इसी से कंपनी बहुत ज्यादा पैसा कमाती है। केबीसी के सीजन 9 में एडवर्टीजमेंट से केबीसी को 400 करोड़ का रेवेन्यू मिला और उस सीजन में केबीसी के जो एक्सपेंडिचर्स थे वो 200 करोड़ थे, जिसमें से ज्यादातर अमाउंट अमिताभ बच्चन की फीस थी। यानी केबीसी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इतना ही नहीं, काफी इंटेलिजेंटली कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस कम किए हैं। कंपनी इंश्योरेंस निकालती है प्राइजेस पर। जब भी किसी विनर को 25 लाख से ज्यादा की प्राइज मिलती है तो वो अमाउंट केबीसी को नहीं देनी पड़ती, वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। तो इस तरह उन्होंने अपने एक्सपेंसेस भी कम रखे हैं और इसके अलावा स्पॉन्सरशिप से भी उनका रेवेन्यू आता है। रिसेंट सीजन में रिलायंस जी उनके स्पॉन्सर थे, जिन्होंने एक सीजन के लिए पे किया 100 करोड़ रुपीज। तो इस तरह 50% से भी ज्यादा मार्जिन का ये बिजनेस काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है।